हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशद और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबने कंप्यूटर देखा होगा, चलाया होगा, लेकिन हार्डवेयर के बारे में आपके साथ नॉलेज ना हो और ये नॉलेज देने के लिए मैं आप इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखते रहिए चैनल को और मैं बताऊंगा कि हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक्चुअली में कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों और कंप्यूटर कैसे अटैच होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो चैनल और अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये दोस्तों मेरा दोस्त है आबिल चिश्ती। हाय फ्रेंड्स। और ये दोस्तों मेरा दोस्त है अंकित। हेलो फ्रेंड्स। ये आपको बताएंगे कि हार्डवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, पूरे कंपोनेंट्स के बारे में और कंप्यूटर के हार्डवेयर कितने प्रकार के लगे रहते हैं। तो हम बताएंगे, हमारा पीसी खुला है, आप देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, इसे कहते हैं SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसकी पावर सप्लाई कैपेसिटी होती है प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड प्लस माइनस 12 वोल्ट। तो हाँ जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते बताता हूँ। ये है दोस्तों मदरबोर्ड। तो दोस्तों मदरबोर्ड में मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। पहले तो ये दोस्तों होता है नॉर्थ ब्रिज। तो नॉर्थ ब्रिज के ऊपर हीट सिंक लगी रहती है, आप देख लीजिए। नॉर्थ ब्रिज मैंने खोल के रखा हूँ ये मदरबोर्ड को, ये हो गया दोस्तों नॉर्थ ब्रिज, इसकी हीट सिंक लगी रहती है दोस्तों। ये हो गया साउथ ब्रिज ये, और दोस्तों यहाँ लगती है सीमोस बैटरी, और ये अपने AGB स्लॉट हैं, ये अपने दोस्तों रैम के स्लॉट हैं, दो डेडिकेटेड स्लॉट हैं, ये पाटा पोर्ट्स के लिए दोस्तों। यहाँ से अपन को पावर मिलता है मदरबोर्ड को। ये दोस्तों अपना CPU है, फ़ैन निकाल के रख दिया हमने, इसके ऊपर फ़ैन लगता है। ये CPU है दोस्तों, ये CPU है। ये लैन ग्रिड अरे है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये लाइन दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है, और यहाँ पर जो है स्लैसेस बने हैं। तो ये लैन ग्रिड अरे होता है। तो CPU को दोस्तों मैं आपको बता दूं, CPU को हमेशा ऐसे पकड़ना, ना कि ऐसे पकड़ना इसको। ये तो ख़राब CPU है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी ऐसे नहीं पकड़ना, क्योंकि इसमें पावर फ्लक्चुएट हो जाता है और ये ढंग से काम नहीं करता है दोस्तों। इसको ऐसे ही पकड़ना। तो आते हैं फिर बात करते हैं दोस्तों पोर्ट्स की। दोस्तों हम पोर्ट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया सीरियल पोर्ट हो गए अपने, ये पैरेलल पोर्ट हो गया। इसमें 4 USB पोर्ट है, साउंड के लिए पोर्ट दिया गया है। फिर अब बात करते हैं दोस्तों उसके अदर कंपोनेंट के बारे में। दोस्तों जो इनपुट आता है, कहाँ से इनपुट आता है, जो अपना कैबिनेट रहता है जिसमें पावर ऑफ शट डाउन रिसेट की जो की रहती है, वो इधर फंसती है दोस्तों। तो उसको आप कहीं पे भी लाइन से इसको आप यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों। फिर आती है हार्ड डिस्क। दोस्तों ये हार्ड डिस्क है, और जो SSD है वो अलग वीडियो में बनाऊंगा मैं SSD। ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में दोस्तों आप देख लीजिए, इसकी स्लैश के लिए ये साटा पोर्ट की है। तो साटा में 40 पिन होती है, तो ये साटा पोर्ट है। और दोस्तों ये पावर के लिए दिया गया है, पावर इनपुट है दोस्तों। अगर याद रखना, कभी भी जब SMPS में आप जब इसको फिट कर रहे हो मदरबोर्ड में, तो दूरी के हिसाब से फिट करना, इसके पावर की है देखो, तो दूरी के हिसाब से उसमें लगाना। और ये जो इनपुट ऐसी वाली कीज रहेंगी ये और ये वाली, तो उसको CPU में दूरी के हिसाब से लगाना, तो ये सही रहेगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम अशद और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जय हिंद।